जस्टिस होंगे रविंद्र भट्ट। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है और दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज हैं जस्टिस रविंद्र भट्ट, जो कि अब राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नियुक्ति की सिफारिश की है और अब राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रविंद्र भट्ट होंगे। जी बिल्कुल, दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज हैं जस्टिस रविंद्र भट्ट और उनकी नियुक्ति की सिफारिश जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कानून मंत्रालय को भेजी है और कानून मंत्रालय के पास मंजूरी होने के बाद जस्टिस रविंद्र भट्ट जो है उनको राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने ये सिफारिश भेजी है कि जस्टिस रविंद्र भट्ट जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ जज हैं और काफी अनुभव है उन्हें, लिहाजा उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाए। ये कानून मंत्रालय के पास जो है कॉलेजियम ने सिफारिश भेजी है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 3 दिन में जो है जो सिफारिश जो है वो कानून मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद जल्द से जल्द जस्टिस रविंद्र भट्ट जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर शपथ लेंगे। तो एक बड़ा अपडेट है क्योंकि प्रदीप नंद राजयोग जो है उनको जो है बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस तबादला कर दिया गया था और बॉम्बे हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया था, जिसके बाद से राजस्थान हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का पद खाली था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने आनंद फानन में जस्टिस रविंद्र भट्ट की सिफारिश कर दी है। तो एक बड़ा अपडेट है, राजस्थान हाईकोर्ट को जल्द ही चीफ जस्टिस मिलने जा रहा है। बिल्कुल, इंतजार है मंजूरी मिलने का। राज्य सरकार से बातचीत के बाद यहाँ रविंद्र भट्ट चीफ जस्टिस के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे, कार्यभार संभालेंगे। शुक्रिया फिलहाल सुमित तमाम जानकारी के लिए आपका।